नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लाइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूँ, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा भी पीपीओ जारी हो गया है। अब इस पीपीओ के बारे में मैं सभी लोगों को ये बताता रहा हूं कि क्या कमियां हैं और किस तरह हमें उठाना चाहिए, लेकिन आज तक जो चीजें नहीं उठी हैं उससे मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमें देखना चाहिए। तो ये मेरा पीपीओ है और इसमें जो मेरी पेंशन बनी है वो 4529 रुपीज बनी है, ठीक है जी। एंड ये मेरी डिटेल दी गई है, पेंशन की डिटेल दी गई है कि भाई कितनी सर्विस है वगैरह वगैरह, और बाकी ये सब चीजें हैं। तो इस तरह मेन बताने का उद्देश्य है कि 4529 मेरी पेंशन बनी है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे बनी है और क्यों बनी है और इसमें क्या संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम अपनी सीट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है, हम ये मेरे खुद के डेटा हैं और इसलिए आप इस पे और ध्यान से समझें, आपको कई चीज में नहीं बताने वाला हूं। ये इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि किसी को संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर है और हमने इसमें 94 से ही, ये दिसंबर 95 से स्टार्ट करके दिसंबर 95, आपको मालूम ही है कि हमारा जो नवंबर का पैसा है वो दिसंबर में जमा होता है, इसीलिए मैंने इसे दिसंबर से लिया है। और चूंकि इसमें थोड़ी सी सीट में जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए जगह कम पड़ती है, तो इसीलिए हमने एक कॉलम को जो यहां नवंबर वाला कॉलम था उसको हटा दिया है। चलिए अब हम चलते हैं। ये टोटल वेज है, इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमने बहुत बहुत बार ये सब चीजें बता चुके हैं। ये वेज में हमने सारी चीजें डाल ली हैं और वेज में ये सारी चीजें डालने के बाद में अब हम चलते हैं इसी सीट के, इसी टेबल के फाइनल की तरफ, तो जिससे हम डाटा डिस्कस कर सके। ये आ गए हम टेबल नंबर 1 की फाइनल। ये हमें टोटल वेज मिला है, ये 8.33% होता है, 13,69,302, 111,162 रुपए हमें 1.16% के देने हैं, 244,968 ये वो पैसा है जो अभी हमारा जमा हो चुका है ईपीएफओ में, और 12,35,496 हमें ज्यादा देने हैं। विद इंटरेस्ट हमें मई 2024 तक 24,33,307 रुपए देना है, जमा करना है, ठीक है जी। ये टेबल 2 की समरी है, टेबल 2 में इसी की समरी है। ये सारे डेटा यही है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारी टेबल 3 है, टेबल 3 में हमने वो वैल्यू निकालने का प्रयास किया है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं इस बार नई चीज लेके आया हूं, मैंने जनवरी 87 में हम परमानेंट हो गए थे, यानी जनवरी 87 से ही डेटा, जो डाटा किसी के पास भी मेरा दावा है उपलब्ध नहीं होंगे वो मेरे पास उपलब्ध हैं। और मैंने ये इसको उस समय, आपको याद हो तो एफपीएस का जो पैसा जमा होता था ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए ये जो कंट्रीब्यूशन इसमें दिखाया गया है, ये कंट्रीब्यूशन एफपीएस का कंट्रीब्यूशन है 87 का। 87 में हमें 6 महीने की तनख्वाह इकट्ठी मिली थी तो 71 रुपीज कटे थे, उसके बाद 14 रुपीज, 16 रुपीज, इस तरह का पैसा हमारा कटा करता था। ये सभी का ऐसे ही था, लेकिन लोगों को याद नहीं होगा ये सभी का, चूंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, 94 से पहले की बात कर रहे हैं, 95 से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो 95 से पहले हमारा जो अमाउंट कटता था वो इस तरह ये 40 रुपए, 14 रुपए, 14 रुपए से स्टार्ट होके, और जबकि 95 आते आते भी 2 वेज रिवीजन हो चुके थे, उसके बावजूद भी हमारा फैमिली पेंशन स्कीम में जो पैसा कटता था वो 41 रुपीज कटता था। आपको याद होगा
फैमिली पेंशन स्कीम में 1.16% आपका वेज का कटता था एंड 1.6% ही इंप्लॉयर मिलाते थे, 1.16% उसका जितना भी खर्चा होता था वो गवर्नमेंट देती थी फैमिली पेंशन स्कीम में। तो इस तरह ये हमारा अमाउंट यानी पर मंथ 41 रुपए हम मिलाते थे, 41 रुपए गवर्नमेंट मिलाते इंप्लॉयर मिलाता था और इसका सारा खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं या इसके जो भी चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट देती थी। तो इस तरह हमारा जो पैसा उसमें जमा हुआ है वो भी हमने अपनी वैल्यू में लिया है इस बार, ये अब तक मैंने नहीं लिया था, यानी 87 से लेके और 95 तक का पैसा भी हमने अपनी वैल्यूएशन में, हमने टोटल कितना डिपॉजिट किया है उसमें ये आ गया है। तो ये हमारी जो सीट है, एक तो हम ये नई चीज दिखाना चाहते थे आपको कि दूसरा हमारा जो टेबल 5 है, टेबल 3 है, टेबल 3 में हमने वैल्यू निकाली है, आपके डिपॉजिट की वैल्यू निकाली है टेबल 3 में, और टेबल 4 में हमने एवरेज निकाला है। तो एवरेज हमने निकाल लिया, ये हमने इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है कि हमने बहुत बार बताया। ये हमारी टेबल 3 है और टेबल 3 का जो हमने देखा है कि हमारे पैसे की वैल्यू इंक्लूडिंग 87 से जो पैसा जमा हुआ है उसके सहित हमारे पैसे की वैल्यू होती है 8,65,601 रुपए। अब हमने इस टेबल में, ये वाली जो टेबल है टेबल 3 जिसको मैंने ऊपर से, इस पैसे की रिकवरी कब होगी ये दिखाने का प्रयास किया है कि यदि आपके कॉर्पस की वैल्यू, यदि मान लीजिए आप हायर पेंशन नहीं लेते हैं, या ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं, ठीक है जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके 8,65,000 यदि यही अमाउंट होता है और 4,529 रुपए पेंशन मिलती है तो इस पैसे की वैल्यू कब, रिकवरी कब होगी। देखिए एक बात तो यह है कि हमारी पेंशन से ज्यादा 8.2% इंटरेस्ट बनता है 8,65,000 का, तो इसलिए इससे, इसी से आप अंदाजा लगा लें, जब मंथली इंटरेस्ट ही ज्यादा है और पेंशन कम है इसका मतलब इसकी रिकवरी कभी नहीं होगी। फिर भी मैंने इसको, इस टेबल को, टेबल 5 को मेरे ख्याल से नीचे 50 तक ले जाकर यह प्रयास किया है कि कितने साल, आज 23 है और 23 के बाद यदि हम अक्टूबर 55 तक भी जाते हैं तो अक्टूबर 55 तक भी जाके जो हमारे पैसे की वैल्यू थी 8,65,000 वो उल्टा बढ़ के 26,55,955 रुपए हो गई है 55 में जाके, और उल्टा ब्याज, मंथली ब्याज जो है 8.2% से 18,000 से ज्यादा हो गया है, यानी आपकी वैल्यू रिकवरी कम है, ब्याज बढ़ता चला जाएगा और इस पैसे की कभी भी यदि पुरानी पेंशन मिलती है तो इससे कभी भी रिकवरी नहीं होगी। अब प्रश्न यह है कि जो हमारे, जैसे 2004 में आरसी गुप्ता केस कर दिया गया था, 2005 में केरला में केस कर दिए गए थे, तो इस केस को हमारे लोग जो थे जिनको यह पता लग गया कि हमारे पैसे से कभी भी रिकवरी नहीं हो रही है तो उन्होंने आज तक इसको केस का पार्ट क्यों नहीं बनाया? यदि बनाया गया होता तो शायद हमें रिजल्ट मिल रहे होते या मिल गए होते। अब हम चलते हैं आगे की बात पे। एक क्वेश्चन, ये हमारी पेंशन है, ये मेरी पेंशन है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पेंशन मैंने कैलकुलेट की और पेंशन मेरी कैलकुलेशन से ये मेरी ही पेंशन है, मेरी कैलकुलेशन से पेंशन आती है 4,531 रुपए और जबकि मुझे जो पेंशन सेंसर हुई है वो 4,529 रुपए सेंसर हुई है, यानी 2 रुपए का अंतर है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि 2 रुपए का अंतर है, दो रुपए का अंतर आता है। वो भी क्यों आता है? क्योंकि हमने 2014 से पहले, 1 सितंबर 2014 से पहले 6864 डेज लिए हैं। ये यदि आप डे टू डे घटाएंगे, डे में से डे घटाएंगे, रिटायरमेंट डेज में से पहले डे घटाएंगे तो 6864 डे आते हैं। इसको भी किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया, जबकि ईपीएफओ इसको लेता है 6856 डेज, यानी 8 दिन कम लेता है। अब 8 दिन कम लेता है, 8 दिन की वजह से मान लीजिए 2 रुपए ही कम हुए तो 2 रुपए 75 लाख पेंशनर्स हैं, 77 लाख पेंशनर्स हैं, यानी 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ 2 रुपए बचाने से ईपीएफओ ने बचा लिए।
इसको भी क्यों चैलेंज नहीं किया गया? भाई क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है कि डेट आपकी भी वही है, हमारी भी वही है, आप इस डेट को घटाते हैं तो आपके 6856 डेज आते हैं और मैं घटाता हूं तो 6864 डेज आते हैं। दूसरा, इसी केस को मैंने जो हमारा सुनो गवर्नमेंट व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने ये क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया था कि आप मुझे ये बताएं कि जब 20 साल पूरे नहीं हुए तो उससे पहले 20 साल का बेनिफिट यानी 6500 बेसिक पे क्यों दिया गया। किसी भी दोस्त ने मुझे लगता था कि शायद किसी के पास सर्कुलर हो, लेकिन उसका कोई भी सेटिस्फेक्ट्री आंसर मुझे नहीं मिला। अब कुछ लोग उस क्वेश्चन को समझे भी नहीं है, समझे नहीं है तो अब आप इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि देखिए ये 730 दिन का बेनिफिट, हमारी जो पेंशन कैलकुलेट की जाती है वो इस 6500 पे यानी 2014 से पहले की बेसिक पे मिलता है, जबकि मेरे 20 साल कंप्लीट होते हैं 2015 में। भाई 2015 में 20 साल कंप्लीट हो गए, पहली कंडीशन ये है कि 20 साल कंप्लीट होने पर ही आपको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि आप ऐसे देखते हैं तो वो 6500 रुपए में मिल रहा है बेनिफिट, 6500 रुपए में दिया जा रहा है। अब 6500 रुपए में यदि नहीं दिया जाके 15000 पे दिया गया होता, यानी 15000 जो आपके 1 सितंबर 2009 के बाद में बेसिक बनी है उस पे बेनिफिट दिया गया होता, तो ये आपकी पेंशन 4700, मेरी ही पेंशन 4774 रुपए बनती, यानी लगभग 245 रुपए पेंशन में कम करने के लिए ये जानबूझ के फॉर्मूले को ऐसा किया गया कि जब ईपीएस में 20 साल कंप्लीट होंगे उस डेट के बाद आपको भी दो साल का बेनिफिट देना था, लेकिन हमें उससे पहले ही दिया गया है। ठीक है जी, चलिए इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि क्या किसी के पास ऐसा सर्कुलर है कि इसके बाद 20 साल कंप्लीट होने के बाद भी जो बेनिफिट दिया जाएगा 2 साल का वो पहले दिया जाएगा। ऐसा यदि कोई सर्कुलर निकला है तो किसी दोस्तों ने उसके अभी नहीं भेजा है। तो ये रही पेंशन की बात, ये हमने ऑलरेडी ये हमारी न्यू पेंशन है, ये प्रोरेटा बेस पर पेंशन है और ये प्रोरेटा बेस पर सेकेंड प्रोरेटा बेस पर पेंशन है। इस सेकेंड प्रोरेटा की बात कर रहा हूं मैं कि ये होना चाहिए था कि आपको 2014 से बाद में बेनिफिट मिलना चाहिए था। अभी भी कुछ ईपीएफओ ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उससे पहले कर दिया है और कुछ बाद में बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये रहा, यही चीज मेरा समझाने का उद्देश्य था कि यदि हम कोर्ट में गए होते, हमारे दोस्त कोई कोर्ट में गया होता तो इसका बेनिफिट 200-250 रुपए की पेंशन बढ़ गई होती हर आदमी की। और 2014 से पहले के लोग जो ऑप नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से या वैसे भी नहीं, उनको तो आज भी जाना चाहिए, अगले 2-4 साल में डिसीजन आएगा, उनको तो आज भी ये 245 रुपए एक्स्ट्रा लेने के लिए, केस टू केस डिफर करेंगे, ये एक्स्ट्रा लेने के लिए उन्हें आज भी कोर्ट जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं इसी कैलकुलेशन में, ये हमने एरियर की कैलकुलेशन की है कि एरियर में कितने महीने में हो जाएगा, ये हमारी टोटल कैलकुलेशन की समरी है। और इसी में हमने 60 मंथ केस, प्रोरेटा केस और इसमें रिकवरी कब हो पाएगी उससे उसको कैलकुलेट किया है। और लास्ट में टेबल नाइन में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आपके 865,000 की रिकवरी कब होगी, कभी नहीं होगी, नेवर। और यदि हम प्रोरेटा बेस पे जाते हैं तो हमारा, मैं जितना पैसा जमा करूंगा 27 लाख, आज की डेट में इतना रिमेनिंग लेने के बाद भी 27,72,904 रुपए हमारे होंगे, तो वो नेक्स्ट 63 महीने में रिकवरी हो जाएंगे विद इंटरेस्ट 60 महीने के केस में। प्रोरेटा के केस में यही अमाउंट 123 महीने में, यानी 10 साल से ज्यादा में, 10.5 साल में होगा। और यदि प्रोरेटा 2 की बात करें तो यही अमाउंट बढ़ के फिर 113 महीने में रिकवर होगा, यानी लगभग 9.5 साल में रिकवर होगा। इस तरह यह हमारा अपना डेटा है और मैं अपने डेटा को केवल इसलिए समझाना चाहता था कि जो आपका मेन इशू था, मेन इशू आज की प्रॉब्लम के लिए यह है कि जो हमें, जो हमारी पेंशन बनती है उसमें ये 245 रुपए का घाटा आज की डेट में हो रहा है ओल्ड पेंशन में, तो यानी प्रेजेंट पेंशन के केस में ये लोगों को रेज करना चाहिए था, एक तो दिन का और एक इसको कि भाई इसको क्यों लिया गया।
मैं समझता हूं कि जो हम पॉइंट बताना चाहते थे वो सब लोगों को समझ में आया होगा, और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।